नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। कैमरे में निशांत है मेरे साथ, दिव्या डिजिटल विंग से हैं और मैं आपका होस्ट भी हूं, दोस्त भी हूं, नाम है दिनेश। बातें विशेष में आज चर्चा उस बात की कि एक देश की मेंटेलिटी समझने की कोशिश करते हैं, साइकी। चीन लगातार अपने आप को एग्रेसिव पॉस्चरिंग के ज़रिए दुनिया का बॉस साबित करने में लगा हुआ है। बिजनेस के मामले में, सप्लाई चेन में अपने आप को बहुत मजबूत उसने कर लिया है। मिलिटेरिली वो ताइवान को धमकाता है, साउथ चाइना सी में उसने एग्रेशन दिखाया है, भारत के साथ सरहदी इलाकों पर लगातार प्रोवोकेटिव एक्शंस उसके जारी रहते हैं। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कहीं पर नया डिप्लॉयमेंट कर रहा है, और अभी जो ताज़ा प्रोवोकेशन है वो इस बात का है कि 11 नवंबर को, जो अभी अभी बीती है, उस दिन सेंट्रल चाइना टेलीविजन ने एक फुटेज जारी किया जिसमें PLA का जो एयर विंग है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी, इसका एयर विंग है, उसने 72 साल पूरे किए हैं, तो 72nd एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने एक ड्रिल की जिसमें हिमालयन रेंज से होकर H-6K बॉम्बर्स गुजरे। ये चाइना के मुताबिक बड़ा घातक बॉम्बर है और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं, इसमें एंटी ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं, इसमें 1500 किलोमीटर रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं, और ये भी कि इससे न्यूक्लियर वेपन भी ले जाए जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसमें फिटेड हैं, तो ये दुनिया के लिए चिंता का सबब है। कुछ एनालिस्ट ने, जो कि चाइना के एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए, कुछ ने कहा नहीं, भारत के एयरबेस को नहीं, ये तो दिल्ली को निशाना बनाने के लिए। फिर कुछ ने कहा नहीं, दिल्ली को निशाना क्यों बनाया जाएगा, वो सिविलियन ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे और एयर बेसिस को ही निशाना बनाया जाएगा। मतलब ऐसे जैसे हिंदुस्तान में चार लोग बैठ जाएं, एक बात कहे चाइना को डराने वाली, दूसरा उसको काटे लेकिन वो बात भी चाइना को डराने वाली हो, इस तरह की बातें। ये जो स्टेज कह लीजिए कि सेटिंग की जाती है, एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, वैसी स्क्रिप्ट बोल रहे थे वहाँ के एनालिस्ट। लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये कि जून के महीने में एक एक्सरसाइज की गई जिसमें H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को भी इन्होंने उड़ाया, और उस स्टेल्थ बॉम्बर की खासियत यह है कि रडार की पकड़ में नहीं आता और बॉम्ब कर सकता है किसी भी एक टारगेटेड लोकेशन को। और इससे पहले ये पर्टिकुलर बॉम्बर जो है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, H-6K, इस H-6K को बीते दिनों ताइवान की सीमा में भी चाइना ने भेजा था। चाइना ने जब ताइवान के एयर डिफेंस जोन को, ADZ को वायलेट किया और वहाँ पर ये बॉम्बर भेज दिए, तो ताइवान इस बात से बड़ा नाराज़ हुआ। और आप जानते हैं, ताइवान बहुत खुद्दार किस्म का मुल्क है, उसने तुरंत अपनी जो मिसाइलें हैं वो चाइना की तरफ तान दी। तो अब अगर इतने ही दादा हो तो रुकते ज़रा, अपने बॉम्बर्स को रोकते ज़रा वहाँ पर, हो सकता तो एक आध बॉम्ब भी ड्रॉप कर देते। तो ये नहीं, ये जो ब्रिंकमैनशिप है, केवल वहाँ तक पहुँचना और उसके बाद वापस आ जाना, वहाँ तक पहुँचकर एक घुड़की देना और उसके बाद वापस आ जाना, ये जो है इसका चाइना मास्टरमाइंड है। तो उसी तरह की हरकत उसने H-6K को उधर ताइवान में भेजकर की थी, लेकिन जैसे ही मिसाइल्स का टारगेट बीजिंग की तरफ हुआ, वापस बुला लिया गया। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये सेंट्रल डिवीजन है इसकी, एयरफोर्स की वहाँ की, और अमूमन ये जो फाइटर हैं ये बीजिंग के आसपास उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन इनको नोइंगली शिनजियांग भेजा गया है, वो इलाका जो भारत के साथ जो टसल चल रही होती है उसमें बड़ा हॉट स्टेट माना जाता है। तो उस राज्य को, शिनजियांग में, इन्होंने ये H-6K भेजे हैं और घुड़काने की, धमकी देने की कोशिश की। अब अगर आपने ये पहली बार किया होता, दूसरी बार किया होता या तीसरी बार किया होता, तो शायद इस बात को गंभीर एक्सरसाइज के तौर पर लिया जाता। लेकिन आप जब हर दिन की आपकी आदत हो जाती है कि किसी को आप घुड़काने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक एक्सरसाइजेस करते हैं या पोर्ट्रेयल करते हैं, तो लोगों को पता पड़ जाता है। और जब ये कई सैकड़ों बार हो चुका हो, तब तो फिर ये आपके बारे में एक सर्वस्वीकृत धारणा बन जाती है। तो चाइना एक हद तक तो इससे पॉस्चरिंग कर रहा था, अपने बारे में पार स्टेटमेंट वो दे रहा था, लेकिन अब दुनिया जानने लगी है कि उसने जो भी मशीनरी डेवलप की है वो चोरी की है, कॉपीराइट के उल्लंघन की है, दूसरों की मशीनरी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने नाम पर अपने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स उसने बना लिए, जेट्स बना लिए, ये सब कहता है वो। और दूसरे ये कि आए दिन करने की जाने वाली ये ड्रिल्स, ये एक्सरसाइजेज, ये बताती हैं
कि 10 फार नो फर्दर लागू होता है चाइना पर। इतना ही करने की हिम्मत है, इससे ज्यादा करने की नहीं। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्ते।